मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इज चैप्टर नंबर 5, सेव वाटर, पानी बचाओ। इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया था, बट इसके आंसर एंड क्वेश्चंस थे वो क्या थे बाकी, तो आज अपन आंसर एंड द क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिविटी टिक द करेक्ट आंसर ये हो गया था, बी राइट ट्रू एंड फॉल्स ये हो गया था। आज अपन सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस पर अपन डिस्कस करते हैं। हुम डिड राधा मिस द मोस्ट, राधा को किसकी याद सबसे ज़्यादा आती थी? तो राधा ने जब गर्मियों की छुट्टी थी तब राधा को सबसे ज़्यादा याद किसकी आ रही थी? तो इसका आंसर होगा रोशनी। राधा मिस द रोशनी द मोस्ट, यानी राधा को सबसे ज्यादा याद रोशनी की आती थी। तो इसका आंसर आपको लिखना है राधा मिस्ड रोशनी द मोस्ट। ओके, यस, ठीक। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चंस देखिए। वेयर डिड राधा गो इन द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी में राधा कहाँ गई थी? आपने चैप्टर में पढ़ा है कि गर्मियों की छुट्टी में राधा कहाँ गई थी, तो इसका आंसर आपको देना है राधा वेंट टू राजस्थान इन द समर वैकेशंस। राधा गर्मियों की छुट्टी में राजस्थान गई थी उसके अंकल के पास। ओके, तो आपको इसका आंसर लिखना है राधा वेंट टू राजस्थान इन द समर वैकेशंस। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन। वाई वाज राधा नॉट हैप्पी अबाउट हर ट्रिप्स, राधा अपनी यात्रा को लेकर खुश क्यों नहीं थी? इसके कई रीजन्स हैं, यानी राधा जब यात्रा पे गई थी उसके अंकल को राजस्थान में मिलने, इस यात्रा से वह खुश नहीं थी, क्योंकि उसका आंसर आएगा हर विलेज वाज इन ए रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान। जब राधा अपने अंकल को मिलने गई थी तब उस यात्रा का विवरण करती है और कहती है कि राजस्थान का हर गांव इन ए रिमोट एरिया ऑफ द राजस्थान। फिर आगे आएगा देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द विलेज, इस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। फिर लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट इन द विलेज, यानी वहाँ का जीवन बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या होने के कारण राधा खुश नहीं थी और अपने टीचर्स को ये बात शेयर करना नहीं चाहती थी। तो आपको इसका आंसर देना है हर विलेज वॉज इन द रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान, देयर वॉज ए एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द वाटर इन द विलेज, लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट इन द विलेज, ये इसका आंसर है। ओके, ये समस्या होने के कारण राधा अपनी यात्रा को लेकर खुश नहीं थी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। वॉट डिड रोशनी से अबाउट वाटर शॉर्टेज इन दिल्ली, दिल्ली में पानी की कमी के बारे में रोशनी ने क्या कहा? अब चैप्टर में आपने पढ़ा था कि रोशनी ने दिल्ली में जो भी पानी की समस्या थी उसके बारे में बताया था, तो उसका आपको आंसर देना है रोशनी सेड दैट द अंडरग्राउंड वाटर इन द यमुना रिवर हैज डिस्क्रीड एट डर्निंग रेट, यानी दिल्ली का जल स्तर है वो यमुना नदी के जल स्तर से भी कम हो गया है, यह बात राधा ने बताई थी। दिल्ली में पानी की कमी के बारे में रोशनी ने ये कहा था। एक बार और मैं बता देता हूँ, रोशनी सेड दैट द अंडरग्राउंड वाटर इन द यमुना रिवर हैज डिस्क्रीड एट डर्निंग रेट, यानी उसका जल स्तर है वो यमुना नदी से भी कम हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। What was the name of the teacher? What homework did she give in
टू द स्टूडेंट्स, शिक्षक का नाम क्या था, उसने छात्रों को होमवर्क क्या दिया था। यानी जब क्लास एंड होने वाली थी तब टीचर्स ने स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया था, वो होमवर्क क्या दिया था और शिक्षक का नाम क्या था। तो आपको पता ही है शिक्षक का नाम था सिन्हा। सी आस्क द स्टूडेंट ऑफ द फाइंड आउट डिफरेंट वे इन ऑफ सेव वाटर। अलग अलग सेव वाटर, अपने पानी को कैसे बचाना है, सभी को अलग अलग टिप्स लिखने को कहा था। ये था उसका होमवर्क और टीचर्स का नाम था सिन्हा। क्या नाम था? सिन्हा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, द नेम ऑफ द टीचर्स वॉज सिन्हा। सी आस्क्ड द स्टूडेंट टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज टू सेव वाटर। ओके हाँ, तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अब एक्टिविटीज सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये अपने होता है कंप्लीट। इसके बाद अपन लेट्स लर्न ग्रामर, यहाँ से ग्रामर जोन स्टार्ट होती है। अब ग्रामर जोन में देखिए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, विशेषण के प्रकार। पहला कौन सा? एब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, विशेषण की गुणवत्ता। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, मोहित इज नोटी, ये क्या है इसकी? नोटी, सॉफ्ट, विल्ड, ये क्या है? क्वालिटी यानी गुणवत्ता। सेकंड में देखिए क्वांटिटी, एब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसकी मात्रा यानी सम, मनी, ये क्या है? इसकी मात्रा। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर देखिए जैसे 10, 5, 4, 3, ये क्या है? नंबर्स। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड्स। द बुक्स आर एक्सपेंसिव बट दे आर यूजफुल। अब आपको अंडरलाइन एडजेक्टिव यानी विशेषण कौन सा है उस पर आपको अंडरलाइन करना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एक्सपेंसिव यानी EXPENSIV, एक्सपेंस, इस पर आपको अंडरलाइन करना है। और इसमें विशेषण क्या है? क्वालिटी। एक्सपेंसिव क्या है देखिए बुक में, देखिए नोटी, सॉफ्ट, विल्ड, ये क्या है? क्वालिटी है। तो आपको इसमें लिखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये रिक्त स्थान है, इसमें आपको क्या लिखना है? यहां पर लिखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव 5 फ्रेंड्स इन माई स्कूल, ये 5 यानी एडजेक्टिव कौन सा हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें क्या आएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और 5 पे आपको अंडरलाइन करना है। ओके हाँ, थर्ड देखिए, देयर इज सम जूस इन द जग, सम। तो आप इसमें क्या हो गया? क्वांटिटी, जैसे आई नीड सम वाटर, तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी। तो आपको इसमें लिखना है, थर्ड में लिखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके ठीक, इसी प्रकार आपको फोर्थ देखिए, माई मदर हैज प्रिपेयर्ड मेनी डिलिशियस डिशेज। अब मनी आया है तो ये क्या हो गया? क्वांटिटी। ओके फिफ्थ देखिए, यानी मनी पे आपको अंडरलाइन करना है, देयर आर 7 एप्पल्स इन द फ्रूट बास्केट। अब इसमें विशेषण है, वो क्या है? 7 यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके ठीक, इसी प्रकार आपको डी एक्टिविटी करनी है। आगे देखिए ई एक्टिविटीज, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सिचुएबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में जो ये आपको वर्ड्स दिए हैं उसको आपको इसमें लिखना है। अब देखिए तुलना, यहां देखिए एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन यानी विशेषण की तुलना अपन कैसे कर सकते हैं, उसकी देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 प्रकार की डिग्रीज होती है, जो एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया है। और इसमें आपको लिखना है द नाइट इज वेरी डार्क, क्या आएगा? डार्क। फिर
फिर आएगा अनु इज यंगर देन मेरी, सेकंड में आएगा यंगर. थर्ड दिस बुक इज बेटर, थर्ड में आएगा बेटर. फोर्थ में यस्टरडे वाज द क्लेवरस्ट डे, तो इसमें क्या आएगा क्लेवरस्ट. ओके फिर आए फिफ्थ में रवि इज द कोल्डेस्ट. ओके ठीक, इसी प्रकार आपको ये एक्टिविटीज करनी है. एफ एक्टिविटीज देखिए, पुट टिक मार्क अगेंस्ट द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली. अब इसमें जो स्पेलिंग्स करेक्ट है उस पर आपको राइट करना है, और जो अनकरेक्ट है उस पर आपको क्रॉस करना है. जैसे फर्स्ट देखिए वैकेशंस, इसकी स्पेलिंग्स क्या होती है, वी ए सी ए टी आई ओ एन, वैकेशन, यानी ये क्या है रॉन्ग. शॉर्टेज ये राइट है, केयरफुली ये राइट है, कंडीशन ये राइट है, पर्टिकुलर ये क्या है रॉन्ग है, इसकी राइट स्पेलिंग्स होगी पी ए आर टी आई सी यू एल ए आर, पर्टिकुलर. पॉपुलेशंस राइट है, सरप्राइज राइट है, इम्पोर्टेंस ये क्या है रॉन्ग है. इसमें पीछे जो दो डबल ई हैं उसमें सिंगल ई आएगा. तो इसी प्रकार आपको राइट स्पेलिंग्स है वो लिखनी है, जो इसमें रॉन्ग बताइए और आपको राइट लिखनी है. ओके यस, ये थी एफ. जी एक्टिविटीज देखिए, राइट लिस्टन केयरफुली एंड योर टीचर रीड्स आउट सम वर्ड्स. मार्क द डिफरेंट बिटवीन डी और ईडी. अब जो अपन स्पेलिंग्स पढ़ रहे हैं इसके साउंड में क्या आएगा, ई आएगा या ईडी आएगा. जैसे अपन पढ़ते देखिए एग्जांपल्स, स्प्लाइड डी आया, कॉल्ड डी आया, एक्साइटेड ईडी आया, अलर्टेड डी आया, प्लेड ईडी आया, लाइक्ड डी आया, पेंटेड ईडी आया, गारंटीड ईडी आया, बर्स्ट डी आया. ठीक इसी प्रकार आपको साउंड के अनुसार इसमें डी आ रहा है या ईडी आ रहा है वो इस बॉक्स में आपको भरना है. फिर आर्ट ऑफ राइटिंग, इसका आंसर क्या है वो आपको मैं की भेजूंगा, इससे आपको लिख लेना है. ओके रही बात आपके होमवर्क की, होमवर्क आपको मिट्स और पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा. ओके तो स्टूडेंट्स मैं एक बार और बता देता हूं आपको, अपने इंपोर्टेंस है वो क्या है ए बी एंड सी एक्टिविटी. जैसे आंसर द फॉलोइंग, राइट ट्रू एंड फॉल्स एंड टिक ऑफ द करेक्ट आंसर. इसको अपन को अच्छी तरह से समझना है क्योंकि ये चैप्टर में से आता है, और कितना चैप्टर अपन को समझ में आया ये ए बी एंड सी एक्टिविटीज बताती हैं. फिर देन ग्रामर जोन है वो अपन को इसमें यदि समझ में नहीं आए तो ग्रामर से भी अपन सीख सकते हैं. ओके थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें. थैंक यू.